हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। जो काम किया वो किसी से पोशीदा नहीं है। जब खुदा औलाद को पैसे दे, धन दे, मन दे, दौलत दे, तन दे, तो हर अंदाज से अपने माँ की खिदमत करे, बाप की खिदमत करे। आली वकार गुलजार साहब ने अपने वालदेन की खिदमत जिस तरह अल्लाह ने उनको हैसियत दी, उस अंदाज से उन्होंने किया। खिदमतें तो बहुत सारी है और खिदमत करने का अंदाज भी बहुत सारे होते हैं। माँ बाप को पानी पिलाना ये भी खिदमत है, उनका खर्चा उठाना ये भी खिदमत है, उनके इलाजो मुआलजा के लिए पैसे खर्च करना ये भी खिदमत है, उनसे मोहब्बत और प्यार करना ये भी खिदमत है, उनके रहने सहने का इंतजाम करना ये भी खिदमत है, उनको ऊंचे मकाम पर बिठाना ये भी खिदमत है। और इन्हीं खिदमतों के साथ अगर अल्लाह उनको दौलत दे दे औलाद को, तो औलाद अगर अपने माँ बाप को ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए भेज दे, तो ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए भेजना ये भी खिदमत है। गोया कि वो खिदमत अपने माँ बाप की कर रहे हैं, और सिर्फ खिदमत ही नहीं किए बल्कि उनको अल्लाह ने उनके माँ बाप को इस इनाम से जब माला माल किया, तो इसकी खुशी में उन्होंने वलमा को बुलाया, शोना को बुलाया, आले नबी को बुलाया, और बुलाने के बाद में लोगों की दामतें की और दुनिया के लोगों को बता दिया, ऐ दुनिया के लोगों देखो, हम वो बेटे नहीं हैं जो माँ बाप को तंग नजरी की नजरों से देखते हैं, बल्कि हम तो वफादार बेटे हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करते हैं। अरे कोशिशें कितनी करते हैं और कोशिश करने से होता क्या है। आइए हदीस पाक को पढ़ें तो हमारे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, जब औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करे तो अल्लाह ताला हर खिदमत के सिला में उसको बेपनाह बरकतें दिया करता है। सरकार के हदीस का मफहूम है, दोनों आलम के सरकार इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई ये चाहता हो कि अल्लाह उसके माल में बरकत दे, तो ऐसा शख्स अपने माँ बाप की खिदमत करे, अल्लाह उसकी माल में बरकत देगा। अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे, तो ऐसा शख्स अपने माँ बाप की खिदमत करे, तो अल्लाह उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाएगा। अगर कोई ये शख्स ये चाहता है कि वो मुआशरे में तरक्की करता नजर आए, तो ऐसा शख्स अपने माँ बाप की खिदमत करे, तो ऐसा शख्स मुआशरे में तरक्की करता नजर आएगा। चैन सुकून की दौलत चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप की खिदमत एक ऐसी अजीम शान दौलत है कि अल्लाह का बंदा जब इस पर अमल कर लेता है तो उसको दारैन की नेमतें मिल जाया करती है। सैयदुल मुफस्सरीन हजरत अल्लामा मौलाना सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ने कलाम पाक में तीन आयात को इस तरह नाजिल फरमा रखा है कि अल्लाह का बंदा अगर एक आयत पर अमल करता है और उसके दूसरे आयत के पहलू पर नहीं अमल करता है, तो अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाता है। बरदस्ता ये कहते हैं जैसे कि अल्लाह ने कलामे पाक में इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूलुल्लाह की। अगर कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की इताअत तो करता है मगर रसूल की इताअत नहीं करता, तो वो इताअत वो इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। गोया कि पता ये चल गया कि अगर तुम खुदा की इबादत करना चाहते हो तो इबादत खुदा में इताअत मुस्तफा दिखना चाहिए। अगर वो इबादत कबूल करवाना है तो अल्लाह की इताअत के साथ रसूल पाक की इताअत करनी होगी। और ऐसे ही दूसरी आयत को पेश करते हैं और कहते हैं, अल्लाह ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, अकीमुस सलात व अतुज़ ज़कात,
नमाज कायम रखो और जकात दो। अगर कोई अल्लाह का बंदा नमाज तो पढ़ता है मगर जकात नहीं देता तो उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। और ऐसा ही कोई अल्लाह का बंदा जकात तो देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी जकात भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। और तीसरी आयत कहते हैं कि अल्लाह ने कलामे पाक में इरशाद फरमाया, अनिश्कुरली वाली वाली देख, तुम मेरा शुक्र करो और अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करो, उनकी भी शुक्रगुजारी करो। अगर कोई अल्लाह की इबादत तो करता है, अल्लाह का शुक्र तो बजा लाता है मगर माँ बाप की नाफरमानी करता है तो वो खुदा का शुक्रिया, खुदा की इबादत वो भी अल्लाह की बारगाह में काबिले कबूल नहीं है। तो अजीजाने गिरामी, इस तरह आयते मुकद्दस से हमें ये नतीजा मिलता है कि एक बंदे को चाहिए कि जहां अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह की इबादत करे, वहीं रसूल पाक की इताअत भी करे। जब वो नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ने के साथ वो जकात देने का हसीन जज्बा भी रखे, अल्लाह का शुक्र बजा लाए तो अल्लाह के शुक्र के साथ अपने माँ बाप की भरपूर खिदमत करता रहे ताकि अल्लाह ताला उसकी इबादत को कबूल फरमाता रहे। हजरात, दुनिया में बेशुमार लोग आए और आने के बाद में चले गए, लेकिन एक आया, ऐसा आया जिसके ना आने का कोई जवाब है और जिसके ना छाने का कोई जवाब है। वो कौन आए जिन्हें दुनिया अहमदे मुख्तार कहती है, दोनों आलम का सरकार कहती है, कायनात का ताजदार कहती है, अनीसे बेकसा कहती है। आज हम लोग हज के लिए जाते हैं तो हज में होता क्या है? हज में तवाफे काबा किया जाता है, हज के अरकान में जो जो चीजें होती हैं करीब करीब सारे मुसलमानों को मालूम है। और जो हाजी लोग हज करते हैं वो तो उसके आमिल भी होते हैं और अमल करके आते भी हैं, तवाफे काबा करते हैं और चाहे जमजम के पास पहुंचकर जमजम शरीफ का पानी पीते हैं, साथ ही साथ मकामे इब्राहिम के पास नमाज को अदा करते हैं, सफा मरवा की सही करते हैं, मैदाने मीना में पहुंच करके वहां कयाम करते हैं, अरफात में ठहरते हैं और मुजदलफा में वकूफ किया करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं और शैतान को कंकरी मारते हैं। आखिर ये सारी चीजें क्या है? आप जानते हैं और आप पढ़ते भी हैं। ये सारी चीजें एक यादगार है। किसकी यादगार है? इस ताल्लुक से लंबी गुफ्तगु हो सकती है। देखिए, तवाफे काबा करना ये किसकी यादगार है? तो बताया ये गया, तवाफे काबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया है और अल्लाह के बेशुमार पैगंबरों और नबियों ने किया है। और यही तवाफे काबा जिसके सहन के अंदर एक रवायत के मुताबिक बताया गया 99 अंबिया के मजारात हैं, एक रवायत के मुताबिक बताया गया कि 1000 अंबिया के मजारात मौजूद है, एक रवायत में बताया गया कि 110 अंबिया के मजारात वहां मौजूद है। ये सहने काबा है। आखिर अंबियाए किराम का इंतकाल वहां क्यों होता? या अंबियाए किराम कहीं विसाल फरमाते तो उनके बारे में उनको वहां क्यों दफन किया जाता? तो उलमा ये बयान फरमाते हैं कि सुनो, चूंकि अंबियाए किराम को मालूम था कि काबे को जिसने बनाया है, जिसको उसको अबुल बशर हजरत आदम कहते हैं, और काबे को जो बसाएगा उसको खैलुल बशर आमना का लाल कहेंगे, तो उसकी तलाशो जस्तजु में हर नबी आते थे कि देखो हमारे दौर में वो नबी आखिर जमा आए ना आए, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि काबे को बसाने के लिए, काबे को रौनक देने के लिए, काबे को उरूज देने के लिए आमना का लाल आएगा। तो इसी जाविये को लेकर के अंबियाए किराम वहां तशरीफ लाया करते थे। ये तवाफे काबा हजरत अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम
इस्लाम की प्यारी सुन्नत है जो हाजियों के लिए, उमरा करने वालों के लिए मेरे रब ने बता दिया है कि ऐसा तुमको करना ही है। मकामे इब्राहिम पर हम पहुंचते हैं, वहां नमाज को पढ़ते हैं। ये मकामे इब्राहिम क्या है? एक पत्थर ही तो है, ये कौन सा पत्थर है? ये पत्थर जन्नती पत्थर है, जिस पत्थर के ऊपर खड़े होकर के अल्लाह के खलील खाने काबा की तामीर किया करते थे। और तामीरे काबा जब आप कर रहे हैं, आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर को उठा उठा करके दिया करते हैं। और इस पत्थर की खासियत क्या है जिसको हम मकामे इब्राहिम कहते हैं? ये पत्थर खुद ब खुद ऊपर हो जाता था, खुद ब खुद नीचे हो जाता था। जैसे आज मकान कोई बनाता है तो मकान के बनाने के बाद में जब दीवार को तैयार करता है तो पेड़ बधाए जाते हैं, लकड़ियां लगाई जाती है, बल्ले लगाए जाते हैं, उसके बाद में दीवार की तामीर होती है। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर कर रहे हैं तो आपको बल्ली बांधने की जरूरत नहीं पेश आती थी, बल्कि वही पत्थर है जो चारों तरफ घूमता था और उसी पर खड़े होकर के अल्लाह के खलील खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। और वो पत्थर इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैर के निशान को अपने सीने में जज्ब कर लिया तो अल्लाह ने उसको दूर न किया बल्कि खाने काबा के सहन में नसब करने का हुक्म दे दिया है और ये बता दिया है, ऐ हाजियों मेरे घर का तवाफ करने वालों, ऐ जमजम के पानी को पीने वालों, सफा मरवा की सही करने वालों, तमामी अरकान को अदा करने वालों, तुम्हारा हज उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक मेरे खलील की याद के पास तुम वहां पहुंच करके नमाज नहीं पढ़ोगे। पता ये चला कि ये मकामे इब्राहिम में जो जहां नमाज हम पढ़ते हैं ये भी अल्लाह के खलील की याद है। और ये याद ऐसी है जिस याद को आज सारे हाजी लोग किया करते हैं। सफा मरवा पर सही किया जाता है, ये सही क्या है? हजरत हाजरा, हजरते हाजरा की यादगार है। हजरते हाजरा की कैसी हसीन यादगार है, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैक या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी सल्लम। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा, आले नबी, औलादे अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बलग्राम शरीफ के शहजादे यहां पर तशरीफ